क्या डिडू वाइट दिख रहा है कैसे नहीं बोलती। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में, तो बने रहिए। तो मैं मॉर्निंग रूटीन नटना चालू कर दी हूँ, तो मैं अपना रूम सोच व्यवस्थित कर दूँ पहले, उसके बाद मैं दूसरा काम करती हूँ। इस समय ठंड का मौसम है तो थोड़ा लेट भी काम हो जाता है, तो अभी 9 बज रहे हैं लगभग, तो मैंने सोचा पहले अपने बिस्तर सुधार लूँ फिर आगे का काम करूँ। और यशु को स्कूल भेज दी हूँ, उसके बाद अब काम मैं अपना कर रही हूँ। यशु को टिफिन वगैरह बना के और उसको स्कूल भेज दी हूँ, और आगे का अपना डेली रूटीन जो पार्टी का काम होता है हम लोगों का, वही मैंने सोचा पहले बिस्तर बना लूँ। फ्रेंड, इस समय ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो यीशु भी मेरा नीचे पढ़ाई नहीं करता, बिस्तर में ही करता है, तो बहुत ही ज़्यादा बिस्तर गंदा हो जाता है, इसलिए रोज़ ही बिस्तर को अच्छे से बनाना पड़ता है, झाड़ना पड़ता है, एक धूल लकड़ कचरा कर देता है, इरेजर वगैरह कर देता है। वह मैंने बिस्तर अपना बना लिया है, क्लीन कर लिया है, ये देखिए। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, संडे से मैं ज़्यादा ही हो गई है, ठंड के मौसम में तो काम करने का मन ही नहीं करता, लगता है बस रजाई में घुसे रहो, लेकिन काम करना ज़रूरी होता है, तो काम तो करना पड़ेगा। तो वही मैं उठ गई हूँ, अब जा रही हूँ अपना अगला काम करने, झाड़ू लगाने। मैं सारे पोछे को थोड़ा झाड़ दूँगी, झाड़ू लगाऊंगी। तो ये मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूंगी। सुबह का काम होता है ये सब करने के लिए, सुबह सुबह हो जाकर सही भी रहता है, बट उठता है इस समय थोड़ी ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो काम लेट हो जाता है। 9 बज रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में फिर मैंने पोछा लगाया स्टार्ट किया, क्योंकि पोछा भी एक घर का ही काम होता है, झाड़ू के बाद पोछा लगाना पड़ता है, तभी घर साफ सुथरा लगता है, तो ये लगाया। और इसके बाद मैंने फिर अपनी मिट्टी का पिंजरा धोया, गंदा किया हुआ था, और फिर मैं आ गई किचन में। मैं किचन में बर्तन सुबह धो के रखी थी, तो उसको जमाई नहीं थी, तो मैंने सोचा उसको बर्तन को बर्तन की जगह रख दूं, फिर नहाने जाना था, तो वही मैंने किचन में आके बर्तन को जमाया, क्योंकि जब तक बर्तन को बर्तन की जगह में ना रख दो तो वो भी एक काम ही बना रहता है। और इसके बाद मैंने पालक धोया, दाल पालक बनानी थी दोपहर में। हेलो फ्रेंड, मैंने आज ऑर्डर किया था, मुझे लगा मैं आपको शेयर करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको शेयर करूं। ये मैंने ये जींस का है, ये जोबर लोवर में है, ये बहुत ही अच्छा है, 3 पैक में था और बहुत ही कम रेंज का है, ये 563 का है, 3 पैक है। तो पहले ऑर्डर में थोड़ी और कम मिलता है, दूसरे ऑर्डर में थोड़ा बढ़ जाता है इसका रेंज, तो आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। और 3 पैक में है, एक ये ग्रे कलर, एक ये ग्रीन कलर, मैंने ब्लैक में किया था, ब्लैक शर्ट में, तो ब्लैक शर्ट में भी पिंक वाला था, ये ब्लैक कलर, तो कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, कपड़ा बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसका फिर एक सेट और मंगाया, और ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा कपड़ा, क्योंकि इसका कपड़ा हाथ से छुओ ना तो बहुत ही अच्छा मलाई जैसा लग रहा है और मजबूत भी है, तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये मैंने मीशो से किया था। और फिर मैं अपने दोपहर के खाने के लिए दाल पालक बनाने के लिए किचन में आ गई। आज मैंने पालक को सिंपल तरीके से बनाया है। पालक को मैं 2-3 प्रकार से दाल बनाती हूँ, एक तो मैं पहले ही फ्राई कर देती हूँ पालक को, उसमें आलू डाल के सब्जी डाल के बना देती हूँ, और एक मैं जब जल्दी में रहती हूँ तो मैं पालक दाल सब साथ में डाल के ही बना देती हूँ, इससे जल्दी हो जाता है, बाद में फ्राई कर सकते हैं आप, अगर फ्राई दाल खानी है तो, अगर सिंपल दाल खानी है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहले ही दाल पानी और सब
नमक वगैरह इकट्ठा डाल के बना सकते हैं। तो फ्रेंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।